बस बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे ये मार्केट हमारे एरिया में वीक को फिटनेस डे को लगता है। ये जा रहे हैं पार्टी में, ट्राई करेंगे, बहुत टेस्टी आता है गाइस। और भी बारिश हो, फटाफट मैं अभी चाय लेके आई अपने लिए, जिसको जिसको की हरकत आपको बताती हूँ। बस शाम के बज रहे हैं 5 और ये ब्लॉग में शाम के टाइम शूट कर रही हूँ। और पति देव जी लेके आ गया ऑफिस से, तो चलिए मैं उनको पानी को लगा दे देती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ इससे। तो गाइस फाइनली मैं इनको ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दे रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ बहुत बनता है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। वैसे ये खाते नहीं है, बट आज इनकी इच्छा होगी क्योंकि मुझे देख रहे थे खाते हुए, तो शायद मन किया होगा इसलिए बोले मुझे वही दे दो एक खाने के लिए। तो अभी मैं इनके लिए ले जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं भी एक खाऊँगी, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दिन में एक खा लेती हूँ जब मेरे पास रहता है, वैसे डेली तो नहीं रहता है क्योंकि वैसे आप डेली बना भी नहीं सकते हैं। तो शायद घर से मम्मी मम्मी बनाई होंगी तो ये लेके आए थे, तो जब से ये रखे हुए थे फिर मैं सोचे मैं खा लेती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है मेरे को, मैं एक खा लेती हूँ जब भी मेरे पास रहता है। तो इस टाइम पे था तो मैं खा रही हूँ। मैं आपसे सच बता दूँ, जो सच है वो मैं बता रही हूँ, हमेशा नहीं रहते। और ये विंटर उंटर टाइम में ज़्यादा बनते हैं, मतलब ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लड्डू लग रहा था खाने में, बिल्कुल देसी घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चाय भी रख दी थी कि चाय भी पक जाएगी अच्छे से। तो अभी मैं चलती हूँ इनके पास रूम में। ठीक है गाइस, तो फाइनली मैंने चाय वगैरह बना दिया है, अभी मैंने इसको गैस पे रख के आया हुआ है, वो पक रही है। और अभी मैं आ गई हूँ इनके पास यहाँ पे बैठने। तो मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज लाया है, आपको चाहिए क्या? सरप्राइज चाहिए? सच में? इस फटाफट मैं अभी चाय लेके आई अपने लिए, जिसको जिसको आना है ना जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे एड्रेस पे, फटाफट चाय पी के जाओ। अच्छी चाय बनी हुई है, वैसे अदरक थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है और शक्कर कम हो गई मेरे का, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बट इनको थोड़ा सा मीठी चाय पसंद है। वैसे मीठा चीज़ तो खाते नहीं, बट चाय में इनको शक्कर ज़्यादा चाहिए होती है। तो और मुझे बिल्कुल फीकी चाय चाहिए होती है, हम दोनों डिफरेंट हैं और हम दोनों की कुंडली भी बहुत ज़्यादा मिलती है, बट इन चीज़ों में नहीं मिलती, लड़ने में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, और ये ब्लॉग मैं शाम को 5 बजे शूट कर रही हूँ। और आज ना बरसात भी बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी देर तक बारिश हुई है, इसलिए इनको आने में लेट हो गया। 5 बजे इनके ऑफिस की छुट्टी होती है, बट इनको 5:30 हो गए थे, आते आते शायद गीले भी हो गए थे। तो अब भी हम लोग चाय पी, उठ के बैठ के चाय तो पी लीजिए। हाय गाइस, कुछ भी। हे गाइस, तो इस बार 30 पे इन्होंने मेरे लिए पता है मेरे साथ क्या किया, वैसे बता दूँ सोच लीजिए। तो मैं इनकी हरकत आपको बताती हूँ। वैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि इस बार मैं 30 पे अपने मम्मी के घर चली गई थी। मैंने इनको बोला था कि मेरे को इस बार मैं मतलब आफ्टर मैच में सेकेंड 30 है, तो मैंने इनको बोला था कि मुझे मम्मी के घर पे छोड़ दो। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे किसी के यहाँ जितने भी मेरी फ्रेंड लोग हैं उनके यहाँ कल्चर नहीं होता, किसी के यहाँ कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हमारे यहाँ कुछ, तो सबका अपना अपना कल्चर अलग होता है। तो यहाँ पे मैं 30 अकेले रहती, इसलिए मैंने इनको बोला था कि मुझे मम्मी के घर पर छोड़ दीजिए। तो इन्होंने वैसे ही किया जैसे मैंने उनको बोला था, तो मैं चली गई थी अपने मम्मी के घर पे। तो जिस दिन 30 था मैंने इनको रात में वीडियोस कॉल करके बोला कि आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा है, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो फिर मैंने इनको वीडियो कॉल करके बोला कि कहाँ है मेरा गिफ्ट, आप दिखाओ। तो इन्होंने क्या किया मेरे साथ पता है आप लोग को? बता दूँ? नहीं बताऊँ? बोल रहे नहीं बताओ, बताऊँ? बता देती हूँ।
तो इन्होंने मेरे साथ पता है क्या क्या एक्चुअली ये क्रोमा गए हुए थे, वहाँ से ये कुछ चीज़ें परचेस करके लाए थे। वो चीज़ क्या लाए थे वो मैं आपको वीडियोस में दिखा दूँगी। तो उसका बहुत बड़ा सा बॉक्स मिला था पॉलीथीन टाइप का, तो उसको ये रखे हुए थे बेड पे अपने। तो वीडियो कॉल करके मेरे को दिखाया कि ये रहा आपका 30 का गिफ्ट। तो मैं सोची उसमें क्या है क्या है, मैंने इनसे पूछा कि उसमें क्या है, तो इन्होंने बोला कि सरप्राइज़ है। मैं खुश हो गई, चलो थैंक गॉड मेरे लिए सरप्राइज़ होगा। सस्पेंशन था तो 30 के एक हफ्ते बाद मुझे इनके पास आना था यहाँ दिल्ली। तो ये सस्पेंशन था मेरे पास कि हाँ चलो वहाँ पे मेरे सरप्राइज़ रखी हुई है, ये मेरे लिए लाए हुए हैं। तो जैसे मैं आई, जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि 11 बजे रात में यहाँ पहुँच गई थी। तो फिर मैंने इनसे पूछा कहाँ है मेरा गिफ्ट, वो ये पॉलीथीन छुपा दिए थे, अलमीरा में डाल दिए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि कहाँ है मेरा गिफ्ट, तो इन्होंने बोला कि अलमीरा में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 11 बजे रात कौन खोलेगा, वैसे भी सफ़र करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। तो बस खाना खा के हम लोग को लेटना था और रूम भी पूरा मैसी मैसी था। तो फिर जब मॉर्निंग हुई तब फिर मैं जब ये ऑफिस जाने लगे तो मैं इनसे पूछी कि कहाँ है मेरा गिफ्ट, तो इन्होंने क्या बोला कि अलमीरा में। तो मैं चलो बाद में देख लूँगी। फिर जब ये लंच टाइम में आए तो फिर मैं इनसे पूछी कहाँ है मेरा गिफ्ट, तो इन्होंने पता है क्या बोला कि वो ऑफिस में है आपका गिफ्ट। तो तब भी मैं समझ गई कि ये मेरे लिए कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेके आए हैं। ठीक है, छूट बोल रहे हैं। तो चलिए आप 30 का गिफ्ट क्या दोगे मेरे लिए? एक हफ्ते हो गए, दो हफ्ते हो गए 30। डायमंड रिंग। तो अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, ये मुझे डायमंड रिंग देंगे, कब देंगे पता नहीं, कब दोगे वैसे जल्दी बताइए। इस वीक के बाद। अच्छा, तो इस वीक मुझे डायमंड रिंग मिलने वाली है, तो आप लोग भी इंतज़ार करना और देखना कि वैसे ये वाली जो मैं रिंग पहनी उन्होंने गिफ्ट किया हुआ था, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। एंड शी इज़ माय वाइफ, शी इज़ वेरी डर्टी नाउ, सॉरी वेरी ब्यूटीफुल। गाइस, तो जैसे अपने अभी आपने हम अभी आपको हम दोनों ने बताया कि हम गए थे मार्केट, हम फ़ोन वगैरह नहीं लेके गए थे और हमने मार्केट का ब्लॉग नहीं शूट किया बिकॉज़ ये डिले ही यहाँ फ़ोन बहुत ज़्यादा है, स्नैक होता है और मार्केट में रस बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे ये मार्केट हमारे एरिए में वीक को वेडनेसडे को लगता है, तो वैसे मैं नहीं जाती बट मुझे आज काम था इसलिए मैं चली गई। वैसे मैं मार्केट नहीं जाती बिकॉज रस रहता है और रस वाला एरिया मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैं हम आप लोग को नहीं दिखा पाया। वैसे बारिश भी होने लगी आते टाइम, तो इसलिए भागम भाग हो गई और ब्लॉगिंग वगैरह नहीं शूट किया। पतिदेव जी चले गए पूजा करने और मैं वहाँ से लेके आई हूँ मोमो। काफ़ी टाइम बाद मैं मोमो खा रही हूँ, जैसे मैंने तो मंथ गाँव में रही तो मैं मोमो नहीं खाई थी, तो इसलिए मैं इनको बोले कि आप गर्म गर्म मोमो। वैसे मैंने मोमो कल भी खाया था और आज अभी लेके आई हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा नहीं लेके आए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वैसे भी मैं हेल्दी हूँ। तो ये देखिए, ये रहे मोमो, सॉरी ये, और मोमो आजकल सबका फेवरेट बन चुका है। प्लीज़ एक ग्लास पानी दो, मुझे बहुत देर से प्यास। मोमो की चटनी नहीं है वो, स्पाइसी है, जल्दी दे दो, मुझे बहुत देर से प्यास लगी। 5 चाय पिया था तभी एक ग्लास पानी मांगा। हाँ जल्दी मुझे पानी दे दो, फिर मैं जाऊँगा। अभी मोमो खाओगे? मैं नहीं खाऊँगा, आप खा लो। आप तो पार्टी, और एक बात बता दूं पतिदेव जी की आज पार्टी है, तो आज मुझे खाना वगैरह नहीं। उसपे मत छोड़ो, तो आज है पतिदेव जी की पार्टी, तो वैसे मुझे आज खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। खाना बनाना चाहिए तो मैं भी कुछ खा लूंगी। वैसे आज मैं आपको इनके ऑफिस दिखाती कि ये कहाँ पोस्टेड है, तो मैंने अपना फ़ोन नहीं ले गया था, मैंने इनको बोला कि आप ब्लॉग शूट कर लो, फिर मेरे को सेंड करने पड़े, इन्होंने काम किया नहीं, बोलते मुझे सब नहीं पसंद है, तो इन्होंने नहीं किया। और पार्टी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे थे इसलिए भागम भाग हो गया। मेरे को कुछ शॉपिंग भी नहीं करने दिए जो मुझे लेना था, बट कोई बात नहीं, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं। चलेगा इस फटाफट मैं इसको खा लेती हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। वैसे मैं इतना कम ये लेके आया, मैंने इनको बोली और ज़्यादा ले लीजिए, बट इन्होंने लिया नहीं। खा लेती हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं इसको आधा खा भी ली हूँ। सही लग रहा है ये ग्रीन, सही लग रहा है। तुम वो वाला मेरे शूज़ दो, अब कैसे सही लगेगा वो वाला शूज़ बड़ा वाला, ये सही लग रहा है यार, जल्दी दो, मैं लेट हो रहा हूँ, निकल जा।
तो ये जा रहे हैं पति देव जी हमारे फायर टीम में। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? बहुत जल्दी होती है इनको पार्टी वार्टी जाने में। और आप? मेरे ना फेस पे छाला निकल रहा है। बाय बाय। जैसे आपने देखा कि मेरे पति देव जी चले गए पार्टी में, तो पार्टी में चले गए तो मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने देखा कि मोमोज वगैरह खा लिया, मेरा पेट हो गया फुल, बस मैं थोड़ा सा दूध ले लूँगी, मिल्क रखा हुआ है, क्योंकि अब वो तो पिएंगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि अगर वो हैवी खाना खा के आते हैं, मतलब हैवी मतलब ऑयलिंग वगैरह खाना खा के आते हैं, तो वो दूध वगैरह नहीं लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, बट यहाँ पे ये तो देखिए स्ट्रीट कॉर्न में लेके आई हूँ अभी मार्केट से, तो मैं सोच रही हूँ उसको बनाती हूँ थोड़ा सा और खा लेती हूँ। और मैंने नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो अभी मैं चलती हूँ नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। और मैंने ना आईलाइनर लगाया हुआ था तो जो यहाँ पर फैल चुका है, कोई बात नहीं। अब मैंने कपड़े वगैरह भी धुले हुए हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है, और खाना वगैरह तो नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे भी लड़कियों को अगर खाना बनाने से छुट्टी मिल जाती है तो ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। तो मैं ना मेहंदी लेके आई हुई हूँ, ये देखिए। तो मुझे लगा नवरात्रि आने वाली है तो फिर मैं अपने हैंड्स में मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाऊंगी। तो मेहंदी वगैरह लेके आई हूँ, और मैं एक लिपस्टिक लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा सा कलर है, हुडा ब्यूटी का है, ये देखिए लाइट पिंक कलर की है, तो अच्छी लगी मेरे को इसलिए मैं ले ली थी। और बाकी कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बाकी तो सब कुछ है मेरे पास, और कुछ है नहीं? और पोहे वगैरह सब कुछ लेके आए हुए थे हम। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं स्वीट कॉर्न, फिर अगर टाइम बचेगा तो मैं मेहंदी लगा लूँगी। वैसे टाइम कितना हो रहा है अभी? 8:46 हो रहे हैं, दिख रहा है ना? तो अभी 8:46 हो रहा है, टाइम तो है, शायद वो 10 बजे तक आएंगे पार्टी वार्टी से। तो ये पे बनाना रखा हुआ है तो इसको रख देती हूँ। वैसे बनाना खाने की इच्छा नहीं है मेरी, तो मैं बनाना इसको बता नहीं खाऊँगी, बस स्वीट कॉर्न बनाऊँगी। और ठीक है, पेट में जगह रहेगा तो मैं मिल्क वगैरह ऐड कर लूँगी, पी लूँगी, और नहीं रहा तो नहीं पीऊँगी। तो चलिए मैं बना दूँ, सिंपल तरीके बना कर उसको बॉइलिंग करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये बॉयल होगा तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ अपने। हम ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे, बस उतने पानी ऐड करेंगे जितने में बॉयल हो सके अच्छे से। फिर इसको मस्त मिर्च का पाउडर वगैरह डाल के, और फिर मसाले और बटर वगैरह डाल के इसको फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी आता है गाइस, और भी बारिश हो जाए, बारिश के मौसम में खाना तो और भी ये टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फिलहाल मैंने इसको रख दिया, थोड़ी देर में बॉयल हो जाएगा, उसका कवर मैं ढक देती हूँ इसमें। ये रखा हुआ है मिल्क, मैं बनाना को भी रख देती हूँ। और हम लोग जब कोई फ्रूट वगैरह लाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मतलब कोई भी फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने भगवान के लिए निकाल देते हैं, इसके बाद हम लोग खाते हैं। तो जैसे सुबह ये पूजा करेंगे तो फिर वो भगवान जी को चढ़ा देंगे, और या फिर हम कभी कोई भी चीज़ मंदिर यहाँ है तो वहाँ पे ले जाके दे देते हैं। पंडित जी आते रहते हैं, पंडित जी से मैं आपको मिलवाऊंगी, वो हमारे सतना साइड के हैं, तो जब भी आते हैं तो फिर मिलवाऊंगी। वैसे डेली आते हैं पंडित जी, पर मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ उनका, थोड़ा सा मुझे अकवर्ड लगता है। बाकी वो बहुत अच्छे पंडित जी हैं, तो वो आएँगे तो मिलवाऊंगी। यही मंदिर में रहते हैं वो, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और मैं ना इतना पोहे भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे पैकेट वाले पोहे नहीं पसंद है, इसलिए फिर मैं ये वाला पोहे लेके आई थी। वैसे पैकेट वाला रखा हुआ है,
और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पोहा सबसे बेस्ट होता है, लाइट वेट रहता है और अच्छा भी रहता है और आपका वेट भी हैवी नहीं होता है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से पोहे खाना चाहिए मॉर्निंग में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में मैगीज और ये फास्ट फूड वगैरह ना लेके पोहे लूँ या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह या फिर स्प्राउट वगैरह ले लूँ, और अदरवाइज मुझे कुछ लेने की इच्छा नहीं पड़ती है। तो चलिए फटाफट इसको भी इसके डिब्बे में डाल देती हूँ, ऐसे पड़े रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको डिब्बे में भर के रख दिया अच्छे से, तो ठीक है। मुझे पैकेट वाला अच्छे नहीं लगता, मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिलहाल इसको बंद करके रख देती हूँ। पैन ये बॉयल हो रहे हैं, बहुत टेस्टी आता है, एक बार आप बना के देखना। वैसे हो सकेगा तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी, अदरवाइज आप लोग तो सब कुछ ही बना लेते हो। आजकल सबके पास यूट्यूब है, जो कुछ बनाना होता है ना इंसान सर्च करके बना लेता है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, ज़्यादातर मैं ठंड में ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको, अदरवाइज एक कैंटीन में पैकेट आता है उसको लेके आते हैं और उसको ही खाते हैं। तो फिलहाल गाइस किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अभी मैं यहाँ पे सॉन्ग चला के रखती हूँ। देखिए आपको आवाज़ आ रही है, आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा स्पीकर, इसमें हम लोग सॉन्ग चला के रखते हैं कभी कभी टाइम पास, जैसे मैं बोर होती रहती हूँ। अच्छा प्लेस है ना रखने वाला, ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है। इस वाले फोन में सिर्फ सॉन्ग ही चलाती हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने इतना शूट कर लिया, ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगी, मैं आप लोग को दिखाने के लिए इतना शूट कर लिया, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा और यूट्यूब के कुछ अथॉरिटी होते हैं। कि फिलहाल ये बॉयल हो चुका है, आपको कैसे पता करना है कि बॉयल हो गया, आप एक छोटा सा इसका पीसेस लो, मैं हाथ से नहीं निकालूंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं इससे निकालूंगी, तो आप एक दाना इसका निकाल के चेकआउट कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं पका है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो अभी मैं इसको 5 मिनट और बॉयल करूँगी। फ्राई पैन भी बनाऊंगी, तो चलिए फटाफट मैं इसमें कर लेती हूँ। तो गाइस फाइनली हमने अपने पैन में डाल लिया बटर, मैंने बटर ज़्यादा नहीं ऐड किया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। और यहाँ पे देखिए हमने टमाटर वगैरह सब कुछ कर लिया है, वैसे मैं टमाटो नहीं डालने वाली थी बट मुझे आप लोग को दिखाना था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्याज वगैरह शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च बस हमने लिया है, तो चलिए फटाफट पहले इसको पकाते हैं, इसके बाद स्वीट कॉर्न डाल के और कुछ मसाले हमारे पास है तो उसको ऐड कर दूँगी, बाद में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। गाइस मैं अकेली हूँ इसलिए मैं अच्छे से नहीं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किचन में रहो तो आपसे ब्लॉगिंग करते नहीं बनेगा। और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक पेपर है जिसे काली मिर्च बोलते हैं, काली मिर्च का पाउडर है, तो आप डाल दोगे तो टेस्ट बहुत ओसम रहेगा इसका टेस्ट खाने में। तो चले फटाफट मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है, कुछ मसाले हैं, तो चलिए मैं फटाफट रेडी करने के बाद मिलती हूँ। फिर मेरे पास ग्रीन चिली है तो मैं इसको भी ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट मुझे अच्छा लगता है और मुझे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली लाइट, ये देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है ग्रीन चिली डालने की वजह से। अब फटाफट इसमें स्वीट कॉर्न मिक्स करके मिलती हूँ क्योंकि हाथ से ब्लॉगिंग करते नहीं बन रहा है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस फाइनली हमारा स्वीट कॉर्न बन चुका है और यहाँ पे मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ स्वीट कॉर्न। तो गाइस आज मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लिया है, मतलब पहले मैंने मोमो खाया फिर स्वीट कॉर्न, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया था तो बिल्कुल ज़्यादा ओवर लग रहा है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया, इतना ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वैसे मोमो तो मैंने 3 ही 4 खाए हैं और उतने तो थे ही, और फिर स्वीट कॉर्न भी खा लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमने बना लिया था। तो फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, अब खा तो लिए ही है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिलहाल बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, सब लोग अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए।